हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और खुश रहा करो यार। कभी बज रहे सुबह के 7:30, अभी हम काम पे निकलने वाले, नहा धो के बिल्कुल रेडी है और शाम को जाएंगे हम मूवी देखने डंकी। तो ब्लॉग पूरा देखना, अभी मैं फिलहाल केरल हूँ तो यहीं पे मौका मिलता है मूवी देखने, गाँव में तो मिलता ही नहीं है, गाँव में लगती नहीं है हमारे उधर। ठीक है, ब्लॉग पूरा देखना। तो भाई साहब अभी काम के लिए निकल गए हम तीनों और हमें आगे मिल जाएंगे, और लेकिन वो अलग साइड पर जाएंगे, अभी फिलहाल तो होटल पर जाएंगे, सबसे पहले चाय पी के फिर जाएंगे काम पे। देखो ये गए काम वाले, टाटा हम भर के जा रहे हैं। तो अभी आ गए हम होटल पे भाई साहब, अभी खाएंगे हम मून पुट्टर। ये है बड़ा, अभी मून पुट्टर लाएगा, देखो कैसा होता है वो चावल, कौन था मून पुट। तो ऐसा इसका नाम है मून पुट, और ये एक दाल की सब्जी और कप्पा बोलते हैं, केला कच्ची केला है इसमें। तो भाई साहब नाश्ता फास्ता तो कर लिया, अभी बस में बैठ के डायरेक्ट जाना काम पे। भाई साहब दो आदमी और आ चुके, विष्णु और उम्मीद, ये अलग साइड पर जाएंगे। तो भाई साहब बस में बैठ गए हम अभी। अच्छा बस में से उतर कर अभी चल दिए साइड के लिए, और देखो कितनी मस्त गली है, एडवेंचर सब फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि घने जंगलों में जा रहे हैं। और आज मेरा काम पे चौथा दिन है, मैं केरल आया हूँ तब से, आज का चौथा दिन है। तो इस वाले घर में कर रहे हैं हम काम आज, ये स्टेप लगाने सामने वाले, पहले कटिंग होगी उधर फिर लगेंगे। अंदर से कंप्लीट है, थोड़ी स्कर्टिंग घट रही है बस साइड हो रही है, इस मशीन है। इधर किचन है, देखो कल कंप्लीट हुई है। तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और काम स्टार्ट करके शाम को मूवी देखने जाते हैं डायरेक्ट। तो भाई साहब अभी चल दिया हूँ काम को छोड़ के रूम पे, और रूम पे से जाएंगे मूवी देखने के लिए बड़गड़ा। तो भाई साहब अभी मैं रूम पे पहुँचने वाला हूँ, पास में रूम है, तो अभी नहाते धोते टन बन के जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो भाई साहब नहा धो के टका टक हो चुके हैं और अभी जा रहा हूँ मैं बड़गड़ा, वहीं पर मिलेंगे सब, हरी लक्की और एक और है हरी का रूममेट, तो अभी चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब बस में भी बैठ गया हूँ मैं अभी। तो भाई साहब अभी पहुँच गया हूँ मैं बड़गड़ा, और अभी जा रहा हूँ मैं आरिफ की दुकान पे, वहीं पे आ जाएंगे सब की सब। आरिफ की दुकान का नाम बता दिया मैंने कि वहाँ पे आ जाना सब, तो वहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे पूरे। आरिफ की दुकान पर तो आ गए लेकिन आरिफ आया हुआ यहाँ पर, आरिफ नहीं है। दुकान की लोकेशन एक नंबर पर है भाई साहब, मस्त मेन रोड पर बिल्कुल, यहाँ का सीन मस्त है रात का। वो आ गए लक्की, देखो वो रेड थैला है ना हाथ में, लक्की ठेकेदार है वो। तो भाई साहब दाढ़ी बढ़ गई है, कल सेट कराई जाएगी आरे पर। ये भाई साहब कीर्ति मुद्रा, कीर्ति मुद्रा। तो भाई साहब शाहरुख की यहाँ से होती है एंट्री बुड्ढे के रूप में, फिर वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, फिर उसको मतलब चार दोस्त रहते हैं ये, वो सभी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे फिर से एंट्री होती है शाहरुख की, यहाँ पे इनका सामान गिर जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान चालू हो जाता है। तो फिर जो ट्रेन में एक बंदा बैठा होता है ना, वो इनका सारा सामान उठा उठा के ले जाता है, और उसके बाद ट्रेन भी निकल जाती है उनसे, ये वाला बंदा। ये सबसे खतरनाक सीन था इस मूवी का, सबसे खतरनाक, जो विक्की कौशल अपने आप को आग लगा लेते केरोसिन डाल के, अपनी जीएफ को मिलना चाहते थे लेकिन वीजा नहीं मिलता उनको लंदन का, इसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेती है, और फिर ये भी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि पापा जी को बोलना
कि मुझे वीजा मिल गया जस्सी से मिलने का, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए ऊपर। और ये भी बहुत ख़तरनाक सीन था, पानी में होके जाते हैं, डंकी मारते हैं, मतलब इलीगल तरीके से जाते हैं लंदन के लिए, तो पानी में होके या अलग अलग रास्तों में होके जाते हैं, तो ये सबसे ख़तरनाक सीन होता है भाई साहब। वहाँ धार गोली चलाता है ऊपर से वो AK-47 से, ये पाकिस्तान के आसपास का सीन है कुछ। अभी देखो गोली चलाएगा धुआंधार, ये देखो। लेकिन यहाँ से बच बचा के पहुँच जाते हैं वैसा लंदन बहुत मुश्किल से। फिर यहाँ पे इनको दोस्त का पुतला नज़र आता है, मतलब पुतला नहीं होता वो खुद ही होता है दोस्ती, और इनको फोटो भेजता है कि मैं अमीर आदमी बन गया, लेकिन ये यहाँ पे पुतला बन के ऐसे काम करके पैसे कमाता था। तो इनको भाई साहब वीज़ा नहीं मिलता इंडिया का, तो फिर से ये वापस डंकी मारते, मतलब इलीगल तरीके से आने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस पकड़ ली तो फिर इनको पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर से इनको लंदन जाने के लिए एक बंदा बोलता है, तो उसके साथ क्या करते हैं देखो। निकल जाओ सारे लंदन। भाई साहब हमें कौन वीजा देगा? अरे मैं हूं ना। कॉलेज की डिग्री है? नहीं। कोई जमीन जायदाद? नहीं। ओ एफडी उफडी ता होनी है? ओ कोई गल नहीं, हो जाएगा। और जे नहीं होया तो टंकी लगवा देंगे। बहुत आसान है जी। कहता है आसान है भाई। लपी तेरे हाथ इधर रख, इधर डर ना, चंगा है तू पुत्र? हाँ जी ठीक है। टंकी मैं लगवा। तो भाई साहब हम मूवी को देख के तो आ गए हैं, चारों खड़े बस स्टॉप पर, लेकिन बस नहीं आ रही है। मूवी में बढ़िया थी। हरी मरो दिखा बोले बोल कर थी। कैसी पिक्चर थी? मस्त नहीं है यार, टंकी में डंकार नहीं। चल रात में होटल हो गई है सब बंद, चाय पी के टाइम पास कर रहे हैं। ड्यूलियस ने डू पी के टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो खाना खा के नहीं आया, ये सब खाना खा के आए पूरे पूरे। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं हरी के रूम पे, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है पास में रूम है हरी का, और हिंदी गाने चल रहे देख लो। सबसे मनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। फाटक है इसके पास में, इधर रूम है इसका हरी का। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं हरी के रूम पे, ये हरी का रूम है, ये हरी है और ये लकी है। अब बोला कोई तो बोल सके अगर कोई तो कैमरा के आगे। ये हरी को सिंगल रूम है ना, फिर होता है।